नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकवाड़। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं जाने वाला हूँ मझगवा, सो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। सो काम यहाँ पे काफ़ी रहता है और इसीलिए मैं यहीं पे रहता हूँ 2 महीने। तो ये चाइना मॉडल जो है, ये क्या है ना कि स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट ना होने का क्या रीज़न है। अब क्योंकि इसके इंजन को मैंने 3 साल पहले बनाया था तो काफ़ी चल गया ये, क्योंकि चाइना मॉडल जो है ना ख़राब होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो चाइना मॉडल है ना वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। बहुत आपने देखा होगा ना कि जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। मैं आपको एक चीज़ ऐसी चीज़ बताऊंगा इसमें, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे इंजन जो है चाइना मॉडल जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, मैं ये सब मुझे क्या करना है, इसमें रिंगे ब्रास और देखते हैं क्या क्या इसका ख़राब है। सो सब कुछ मैं ये इसमें डाल के मतलब खोलता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या करने वाले हैं, जिससे ये जो फिर से चलने लगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं इसको सब खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो इसका ये हेड खोल लिया है, हेड मैंने चेक करूँगा, पानी डाल के चेक किया जाता है, देखूँगा कि सही है कि, वैसे मेरे हिसाब से हेड तो सही है, पर जो इसकी रिंगें हैं ये ख़राब हो चुकी हैं, रिंगें और ब्रासें। और दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरा 1 लाख भी होने वाला है, तो 1 लाख जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, मेरे भी सब्सक्राइबर 1 लाख होने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा घुमा दिया इस इंजन को, तो इसे वो घुमा दिया है, पहिया घुमावा ताकत से। हाँ बस, तो ये रहा लाइनर। दोस्तों, चेक करने का आसान तरीका यही होता है नीचे से, यहाँ पे ऊपर जब चेक करोगे ना यहाँ पे तो कटा महसूस होगा, तो लाइनर जो है ना कट चुका है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। और देखो रिंगे की हालत, रिंगे जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों, क्या है ना कि वीडियो इंजन की रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी इंजन में जानकारी हो तो आपको मेरे चैनल में मिलती रहे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि इंजन जो है ये लंबा चले, जिससे जल्दी जल्दी ना ख़राब हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, जो मैं बताऊँगा अभी मैं सब खोलने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पर जानकारी जो है बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। दोस्तों, मैंने इसका जो पिस्टन है वो निकाल लिया है, पर आप जब भी इंजन खोलें तो उसकी ब्रासें जो है हमेशा चेक कर लें, क्योंकि क्या आवाज़ नहीं है। तो क्या होता है कि इंजन की जो मेन काम होता है इन ब्रासों का होता है, तो इन ब्रासों को सीडी में जरूर से ध्यान दे लें। अगर ये ख़राब है तो इनमें से कोई दिक्कत ना हो, तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि इंजन जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत इसी में करता है, ये वाला चाइना वाला। तो ये हैं ब्रासों का नंबर, हर चीज़ का अलग अलग हो सकता है, तो 165F है ये। तो ये 00 जहाँ पे दिखा है, तो ओवर साइज जितना भी ओवर साइज होगा वो दिखता रहेगा। तो फिलहाल तो 165 हैं, ये ख़राब हो चुके हैं, मैं ये भी चेंज करने वाला हूँ। और इसके बाद जो है क्रैंक की हालत जो है, क्रैंक जो है वो बढ़िया है, क्रैंक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं ये पल्ला मोबाइल निकालने वाला हूँ, कि जिससे मैं पंप खोल सकूँ इसका। सो पंप खोलता हूँ मैं, वीडियो थोड़ा सा बहुत मैं ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 पार्ट करके डाल दूँगा, पर आपको जानकारी अच्छी दूँगा, टाइम चाहे जो लग जाए, क्योंकि जानकारी अच्छी होनी चाहिए, टाइम चाहे जो लग जाए। सो इसका क्रैंक तो ख़राब नहीं है, क्रैंक में कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसको खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद जो मैंने इसका पिस्टन होता है, पिस्टन की जो ग्रुप होते हैं ना, इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि इंजन धुआं देता रहता है सब कुछ करने के बाद भी, तो इंजन यहीं से धुआं देता है, अगर यहाँ साफ़ नहीं करोगे तो इंजन का धुआं जो है कभी बंद नहीं होता। तो
मेरी वीडियो, आप एक वीडियो देख लोगे तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो जितनी भी पूरी डिटेल मैं वीडियो में दे देता हूँ। सो इसके बाद आपको रिंगे कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमेशा एक बार जब न्यू रिंगे डालें ना तो लाइनर में चेक कर लें। देखिए इसका गैप जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है पुरानी वाली, देखिए ये है पुरानी वाली कितना गैप है, और न्यू वाली देखिए कितना बड़ा अंतर होता है। तो इसके बाद मैं इसके रिंगे चढ़ाता हूँ, इसके बाद इसमें सेट करता हूँ। रिंगे चढ़ा लूँ, मैंने चढ़ा ली हैं, एक ही रह गई है। इसके बाद आपको कैसे सेट करना है, रिंगों का कट कैसे रखना है, ये सब कुछ जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने इसके बाद जो रिंगे हैं सेट कर दी हैं, और आपको बताता हूँ कि रिंगों का जो कट है वो किस तरफ आपको रखना है। देखो क्या होता है कि रिंगों का जो चार रिंगे होती हैं तो आपको एक रिंग इस साइड रखनी है, और उसके दूसरे नंबर वाली रिंग साइड इस साइड करनी है, फिर तीसरे नंबर वाली इस साइड करनी है, और चौथे नंबर वाली इस साइड करनी है। यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, यानी चारों तरफ करना है, एक तरफ नहीं रखना। और इसके बाद मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, और आपको आराम से इसमें मतलब ये जो लाइनर का कट होता है वो किस तरफ होता है वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसके बाद दोस्तों इसकी ब्रासें जो हैं वो कैसे लगानी है, ऐसा ये चाइना मॉडल में उसमें क्या होता है ना कि हम मक्खी और मक्खी दोनों एक साइड करते हैं और नंबर देख के करते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें नंबर आप मत देखिए, आप या तो खोलते समय देख लीजिए या तो फिर टाइट करते समय जिसमें मतलब अच्छा चले उसी साइड आपको लगा देना। इसमें मतलब मक्खी वक्खी वाला आपको कुछ नहीं देखना। क्या होता ना कभी कभी ये आमने सामने भी होते हैं या एक साइड भी होते हैं, तो आपको मक्खी नहीं देखना। और इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि मक्खी जो है आमने सामने होती है इसकी। तो जैसा परफेक्ट चलने लगे वैसा ही आपको करना है इसको ब्रासें। मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, इनके जो लॉक होते हैं ना उनको मैंने अच्छे से लगा दिया है, जिससे इंजन चलते हुए मतलब कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब ये जो रॉड होते हैं ना, ये रॉड, ये एक तो ये ऐसे ये हिस्सा अंदर साइड रहेगा, ये ऐसे लगेंगी। इसमें वाशर भी डाली जाती है, वाशर पता है, वाशर इसमें है, उसमें उस वही में चिपकी है इसमें। सो इसके बाद इसको लगा के, और इनके बाद हेड को आपको अच्छे से सेट कर देना। इसके बाद एक गैस्किट होती है, हाँ गैस्किट होती है, ये लगी है गैस्किट इसमें, तो गैस्किट तो इसमें लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद जो पिस्टन, आप पिस्टन देख लीजिए, जो पिस्टन का कट है ना ये ऊपर साइड रहेगा। इसके बाद इसमें गैस्किट है, गैस्किट तो इसमें लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनके जो रबड़ें होती है ना, ये वाली रबड़ें, इनको आपको लगा देना है। ये हिस्सा जो है ये अंदर ऐसे रहेगा, ऐसे डालेंगे, और इसको भी ऐसे। तो और इसके बाद मुझे पकड़ के लगाना होगा ना हेड, इसके बाद आपको हेड रख देना। तो मैं हेड रखता हूँ और हेड को टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ टाइपेट कैसे सेट करना है वगैरह वगैरह, जो बाकी टाइमिंग वाइमिंग है सब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने जो इसका मतलब ये पुश रॉड डाल के, और इसके बाद ये जो है ना इनको एडजस्ट कर लिया है, मतलब ये टाइट कर लिया। इसके बाद इनको सेट कैसे करना है मैं ये बता दूँ आपको। तो मैंने जब खोला था तो मैंने पिस्टन को जो ना पिस्टन को टॉप पे करके यहाँ पे निशान मार लिया था, जिससे मुझे मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसके बाद मैंने देखो ये गैप होना चाहिए इसके बीच में, कि जिससे ये जो वाले हैं ना ये दबे ना, तो काफ़ी गैप है इनके बीच में, तो इतना गैप मैं रखूँगा, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना रखना है कि इस ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे जिससे दबे ना ये। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये मैंने खोले ही नहीं है, पहले वाला सेटिंग था। और इसके बाद इसका जो कवर है, ये वाला कवर, इसके बाद हाँ ये, इसके बाद ये जो कवर है ये मैं इसके नट टाइट कर देता हूँ। इसके बाद इसके नट को लगा देना है जिससे ये निकले ना, और इसमें
संजीत को बुला बुला दिया, वही चेक करा दे। हाँ हाँ लाए लाए, टाइट कह दें ना। सो मैंने ये नट फंसा दिया, इसके बाद इसको भी लगा के और अच्छे से टाइट करता हूँ। इसके बाद आगे का सिस्टम जो है, तेल की सप्लाई वगैरह, पंप नोजल वगैरह सब दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें पंप जो है नया डाला है। अगर आपने पंप सेटिंग का वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा इसके बाद। सो मैंने पंप का डिटेल में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो आप एक बार देख लेना पंप फिटिंग का। क्या है ना कि अगर मैं इसी में करता तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती, 10 मिनट तो, 5-7 मिनट तो लग जाता है पंप की सेटिंग बताने में। सो इसके बाद दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ, और इसके बाद अभी मोबाइल हम पीछे साइड से डालेंगे। तो मैं तो पहले इसकी जो पैकिंग है अच्छे से लगा देता हूँ, और इसके बाद जो है पंप तेल की सप्लाई, हम मोबाइल डाल के तेल की सप्लाई जो है टंकी लगा दूंगा। इसके बाद तेल की सप्लाई चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है, और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे। इसके बाद मैंने इसका जो पल्ला होता है अच्छे से लगा दिया है, नट भी अच्छे से टाइट कर दिया है। इसके बाद मोबाइल इसमें डालेंगे हम सर्वो का ओरिजिनल। क्या है ना कि ये चाइना मॉडल है, एयर कूल्ड होता है ये, तो इसमें अच्छा सा मोबाइल ही कोई डाले, 1 लीटर डाला जाता है इसमें, तो मोबाइल जो है ना अच्छा सा ही कोई डालें। ऐसे लोकल में ना एयर कूल्ड है तो हीट ज़्यादा होता है। तो इसके बाद मैंने इसको मोबाइल डालता हूँ, और इसके बाद टंकी लगाता हूँ, और फिर तेल की सप्लाई देखते हैं कि क्या दिक्कत है। इसके बाद तेल की सप्लाई डाल के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत है या नहीं। तो मैंने मोबाइल इसमें डाल दिया है, और इसके बाद जो है आगे मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है आगे। सो इसके बाद मैंने तेल की सप्लाई निकाल डाल दी है, पाइप न्यू डाला है, और इसके बाद यहाँ से एयर मैंने निकाल लिया है, और अब देखते हैं कि मतलब तेल की सप्लाई चेक करते हैं कि आ रही है कि नहीं। यही तो इसे इतने पे पके तो था, मैंने चेक कर लिया है एक बार, तेल की सप्लाई जो है आ रही है। तो अब हम इसको लगा के और इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये इंजन है बिल्कुल परफेक्ट ही स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और आपने देखा कि मैंने इसको लगा के बस फाइनली स्टार्ट कर दिया, जो ये मतलब तेल की सप्लाई भी परफेक्ट है। इंजन जो है ना, जैसे हम तेल बढ़ाते हैं तो इंजन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। और दोस्तों मैंने आपको वीडियो में लास्ट में बताया था कि जो इंजन को जो सालों साल हम कैसे चला सकते हैं, तो ये होता है एयर कूल्ड। इसमें हवा, ये जो कवर होते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं वो कवर निकाल के फेंक देते हैं, जिससे इंजन जो है ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इस कवर का अच्छे से ध्यान दें, अगर कवर नहीं है तो नया मार्केट से लेके लगा दें, जिससे ये जो इंजन की हवा है ना पंखियों की, इसमें आती रहे और इंजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और अच्छे से चलता रहे। सो दोस्तों यही था एक हमारा वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।